हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे कैसे हम बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल्स नंबर में करते हैं। इसके लिए जैसे हमें बाइनरी नंबर को डेसिमल्स नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो हम फार्मूला यूज करते हैं इक्वल टू बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। और सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस सेल में हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा हुआ है और एंटर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए बाइनरी नंबर 100101 को अगर हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 69। ये देखिए बाकी को हम डक कर देंगे। इसी तरीके से सेम अगर हमें डेसिमल्स नंबर को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है तब हम क्या फार्मूला इक्वल करते हैं, इक्वल टू DEC टू BIN, ठीक है। और सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में हमारा डेसिमल्स नंबर्स लिखा है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये देखिए 23 को अगर हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10111। बाकी को करने के लिए हम डक कर देंगे। इसी तरीके से डेसिमल्स नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू डेसिमल टू ऑक्टल नंबर फंक्शन यूज करते हैं और हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, बाकी को हम कंट्रोल के साथ डाउन कर देंगे सिलेक्ट करके। ये देखिए डेसिमल्स नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दिया इसने। 55 को जब हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 67। इसी तरीके से अगर हम डेसिमल्स नंबर को हेक्साडेसिमल्स नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वल टू DEC टू HEX डेसिमल टू हेक्सा। और इसके बाद हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस सेल में हमारा डेसिमल्स नंबर लिखा है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। 55 नंबर को अगर हम हेक्साडेसिमल्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 37। इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में बाइनरी नंबर सिस्टम्स का कन्वर्जन कर सकते हैं, बाइनरी नंबर्स को डेसिमल्स नंबर्स में, डेसिमल्स को बाइनरी में, या फिर बाइनरी डेसिमल्स नंबर को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल्स किसी में भी कन्वर्ट करना हो तो सिंपल हमें एक फार्मूला लगाना है और हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में कन्वर्जन टू बाइनरी नंबर सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।